आज हम बात करेंगे आपके लिए एक और UAN से रिलेटेड वीडियो के बारे में। जैसे कि आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हो और जॉब करते करते आप जॉब छोड़ के चले जाते हो और आपको वहाँ से मिलता है एक UAN नंबर, तो कई बार ऐसा होता है कि हम UAN नंबर को भूल जाते हैं। तो हम उसको कैसे पता करें कि हमारा UAN नंबर क्या था? तो उसको पता करने के दो तरीके होते हैं, एक SMS के द्वारा और एक होता है आपके आधार कार्ड के द्वारा। तो आधार कार्ड के द्वारा जो होता है उसमें आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर का लिंक होना बहुत ज़रूरी होता है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त विनीत और आप देख रहे हैं विनी नॉलेज अब। तो चलिए चलते हैं डिजिटल वर्ल्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम सबसे पहले अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे UAN लॉगिन पे एंटर करने के बाद वहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद कुछ नया पेज शो होगा जहाँ पे हमें एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा EPFO का ऑफिशियल पेज ओपन होगा। फिर हम सर्विस पे क्लिक करेंगे, सर्विस पे क्लिक करके एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद अपना एक और नया पेज ओपन होगा, वहाँ पे जाके हम UAN मेंबर UAN ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा, फिर हम यहाँ पे नाउ या UAN पे क्लिक करेंगे। नाउ या UAN पे क्लिक करने के बाद हमारा कुछ एक और नया पेज ओपन होगा, फिर वहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे हम कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देंगे। रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पे एक OTP आएगी, जैसे कि ये OTP सेंड सक्सेसफुली और नंबर आ गई है, ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी OTP एंटर करेंगे और ये मेरे फ़ोन में OTP आ गई है, मैं इसको यहाँ पे एंटर करूँगा। तो मेरी OTP है तो मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ। मैंने OTP एंटर करके यहाँ पे कैप्चा फिल करना पड़ेगा दोबारा से आपको। तो यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद आपको वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। वैलिडेट OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे OTP वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे हमें अपना नाम एंटर करना, जो आधार कार्ड EPFO में सेम होना चाहिए वो नाम एंटर करेंगे। नाम एंटर करने के बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे तीन फीचर्स दिखा रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी मेंबर ID। अब तीनों में से किसी से भी आप उसको लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने महीना सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये मेरी डेट, और उसके बाद यहाँ पे अपना मैं आधार कार्ड से कर रहा हूँ। तो आधार कार्ड से करने पे मैं अपना ऑफिशियली आधार कार्ड ही नंबर डालूँगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद शो माई UAN पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही कैप्चा फिल करने के बाद मैं शो माई UAN पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा UAN नंबर सामने दिखाई दे रहा है। मैं आपसे आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे नई किसी वीडियो पर, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।